नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाल कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। करना एक तरह से मैं कहूं जो राष्ट्र निर्माण की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसका यह भी एक पार्ट है और यह विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक जरूरी कदम है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में देश के अंदर अनेक तरक्कियां हुई हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो हर क्षेत्र में पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर तमाम प्रकार से हमारे नौजवानों और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है और उनके नेतृत्व में देश में इनोवेशन और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको प्राथमिकता दी गई है। आज हम चाहे स्टार्टअप इंडिया की बात करें या मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने जिन्होंने देश में इनोवेटिव अप्रोच से युक्त नई औद्योगिक एक क्रांति की शुरुआत हुई है, एक नया समय देश के अंदर आया है। आज मुझे बताया गया है कि हमारे डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेंटर का भी निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं इस ऑनलाइन प्लेसमेंट सेल और रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक जैसा यहाँ पर अभी डायरेक्टर साहब ने बताया, आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि 2303 छात्र छात्राओं को विभिन्न विभिन्न सेक्टरों में नियुक्तियाँ दी जा चुकी हैं जो लगभग कितने परसेंट था गुप्ता जी? लगभग 65% जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, एक बड़ा आंकड़ा है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि इसके माध्यम से नियुक्ति पाने वाले सभी जो भी हमारे नौजवान भाई बहन हैं अपनी लगन, ज्ञान और स्किल के जरिए रोजगार देने वाली जो कंपनियां हैं उनकी अपेक्षाओं पर भी खरे उतरेंगे और एक रिसोर्सफुल एसेट साबित होंगे। क्योंकि आदरणीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि देखिए, रोजगार प्राप्त करना ही केवल एक हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपनी हर प्रकार से जो हमारी योग्यता है, क्षमता है और जो हमारी जिम्मेदारी है वो अगर हम पूरे मनोरथ के साथ पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ा सेटिस्फैक्शन भी होगा। और वो सेटिस्फैक्शन, चूंकि ये जो हमारा निजी संस्थानों का सेक्टर है, ये सेक्टर यहीं पर रुकने वाला नहीं है, ये आपको अनुभव पर अनुभव देते हुए जाएगा और ये अभी आपकी शुरुआत है। आपने अगर एक स्थान पर अच्छा काम कर दिया तो वो आपकी पूंजी के रूप में आपके पास जमा हो जाएगा और वो आपके आगे के करियर में काम आने वाला है, आपके जीवन में काम आने वाला है। मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार की परफॉर्मेंस के आधार पर आज देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है, उसमें जरूरी है कि आप अपने आप को भी व्यवस्थित करते हुए और जिस व्यवस्था में लगे हैं उस व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने का काम, यानी कि जिस संस्थान में, जिस इंडस्ट्री में जो काम आपको मिला है उसमें एक अच्छे मैनेजर के रूप में, एक अच्छे व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में, एक जिम्मेदार कार्मिक के नाते हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं, अगर ये हमने पहले दिन से तय कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरे जीवन भर अपने जीवन को व्यवस्थित करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा व्यवस्थित होकर काम करेंगे और व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया, अभी गुप्ता जी कविता सुना रहे थे 3 साल के कालखंड में, तब से मैंने यही प्रयास किया अपने सभी आदरणीय मंत्रीगणों के साथ, सभी हमारे सीनियर लोगों के साथ, साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक जो अवसर हैं वो उपलब्ध कराए जा सके। यह हमारी प्राथमिकता थी, हमारा संकल्प था और आज जो ये कार्यक्रम नियुक्ति पत्र देने का है, ये कार्यक्रम भी
इसी का परिणाम है। और इस सभागार के अंदर जहां आप लोग बैठे हैं, अनेकों अनेकों कार्यक्रम हमारे सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हुई हैं उसको देने के भी हो चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 3 सालों में हम लोग सरकारी विभागों में 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को आज नियुक्ति दे चुके हैं। आपने देखा होगा पहले की सरकारों के समय में भर्ती प्रक्रियाओं में खुलेआम धांधली होती थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के वीर जवानों की शहादत पर गहरा दुख प्रकट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि उन्होंने लिखा जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमन बलिदानियों को मेरा कोटि कोटि नमन। ईश्वर इन आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और साथ ही शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी केदारनाथ बचाओ यात्रा करेगी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें 24 जुलाई से यात्रा की शुरुआत करेगी कांग्रेस। तो दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने का विरोध जो है वो चल रहा है और हर की पैड़ी में स्नान के बाद कांग्रेसी यात्रा जो है वो शुरू करेंगे तो करण मारा निकालेंगे पैदल मार्च। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ धाम में होगा यात्रा का समापन। जो जानकारी आ रही है वो आपको बता दें केदारनाथ बचाओ यात्रा करेगी कांग्रेस। 24 जुलाई से यात्रा की शुरुआत कांग्रेस द्वारा की जाएगी। ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने का विरोध जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें हर की पैड़ी में स्नान के बाद कांग्रेस ये यात्रा शुरू करेगी। दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ को लेकर ये पूरा जो मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है। इसका विरोध यहां पर किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं कर रहा हूं और हम इसको हर की पैड़ी में स्नान के साथ 24 तारीख को शुरू करेंगे और ये पद यात्रा केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ समाप्त होगी और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सबकी खुशहाली हो, सद्विद्या है और जो धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको दंडित भगवान शिव करे। संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, केदारनाथ धाम या चारों धाम की आप बात की जाए, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ाव जो है वो रहता है, लेकिन केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर जो दिल्ली की बुराड़ी में हो रहा है, कांग्रेस ने इसको लेकर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण जो दिल्ली के बुराड़ी में लगभग 3 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है जी। इसके विरोध में लगातार उत्तराखंड में इसका विरोध दर्ज किया जा रहा है। वहीं लोगों के साथ साथ इस विरोध में पंडा पुरोहित भी आ गए थे, उठ खड़े हुए थे। पंडा पुरोहितों के भी द्वारा चारों धाम में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं विरोध प्रदर्शन के कारण उनके पंडा पुरोहितों के कारण कांग्रेस भी इस मुद्दे को लगातार उठाते जा रही है। कांग्रेस भी स्पष्ट रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष करण मारा ने एक प्रेस वार्ता की और उसके पहले बीकेपीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी एक प्रेस वार्ता करके इस मंदिर को नाम को लेकर के संदेह जताया और कहा कि इस मंदिर के नाम का उपयोग जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो बात कही गई थी शिला को ले जाने की, आधारशिला जो वहाँ केदारनाथ धाम में जो शिला रखी हुई है उसको भी बात कही गई थी, उस पर भी कड़ा विरोध दर्ज किया। वही विरोध दर्ज करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा जो है वो लगातार हिंदुत्व सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रही है, वो सनातन धर्म के विरुद्ध काम कर रही है। इसके लिए वो लोगों को भाजपाइयों को जगह दिलाने के लिए, भाजपाइयों को दिखाने के लिए कि कांग्रेस सनातन धर्म के साथ खड़ी है, वो हर की पौड़ी में वो स्नान करेंगे और हर की पौड़ी हरिद्वार से स्नान करके वो पैदल मार्च केदारनाथ धाम तक करेंगे और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद
वहाँ पर सनातन धर्म का हो रहा अपमान के हो रहे अपमान के बारे में वो लोगों को बताएंगे, पंडा पुरोहितों को बताएंगे। इस प्रकार लगातार धर्म मारा और गणेश गोदियाल दिल्ली में बंद है, राम मंदिर दिल्ली में बंद है, केदारनाथ धाम के मंदिर को लेकर लगातार कड़ा विरोध जाहिर कर रहे हैं। और वहीं अध्यक्ष करण महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस यात्रा में बड़े बड़े नेता भी शामिल रहेंगे, चाहे हरीश रावत बात करें, लेकिन गणेश गोदियाल उनके साथ शुरू से ही हर की पौड़ी से ही उनके साथ केदारनाथ धाम तक पैदल चल कर आएंगे। और लेकिन बड़े बड़े नेता जैसे यदि बात करें यशपाल आर्य की, यदि बात करें हरीश रावत की, तो ये लोग कभी कभी समय समय पर आएंगे। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूँ, यह कहीं ना कहीं यह अपने आप में एक राजनीतिक रोटी भी सेकने की बात आ रही है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज और गणेश गोदियाल से प्रेस वार्ता करने के बाद और जब मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ पर इस मुद्दे में हस्तक्षेप किया, तो वहीं इस हस्तक्षेप के बाद इस मंदिर के नाम बदलने की बात की गई। यह बात सामने आई कि अब मंदिर का नाम बदल दिया जाएगा, यानी कि मंदिर के नाम को जो जिसकी चर्चाएं चल रही थी उसको बदल दिया जाएगा। तो प्रश्न यह भी उठता है कि क्या करण महाराज अभी भी नाम बदलने जो वो चाह रहे थे, जैसा उनका कहना था वो हो गया, लेकिन क्या उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष क्या पद यात्रा करेंगे हर की पौड़ी से केदारनाथ धाम तक? क्योंकि पद यात्रा की शुरुआत यदि पहली पद यात्रा देखी जाए तो सबसे पहले गांधी जी लगातार पद यात्रा की शुरुआत किए थे, उसके बाद यदि उत्तराखंड की बात करें या यदि पूरे देश की बात करें तो पिछले बार भी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पद यात्रा उन्होंने किया था। पद यात्रा के बाद देश में कांग्रेस का मानना है कि काफी ज्यादा कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान आया, उसके बाद लगातार हरीश रावत भी देखे कि गांधी पद्धति पर काम करते आ रहे हैं, मौन व्रत धारण करते आए हैं, और हम राहुल गांधी की भी बात करें तो वो गांधी की पुरानी पद्धति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार उत्तराखंड में भी देखा जाए तो राजनीति का एक नया दौर ही कहा जाए शुरू हो सकता है, क्योंकि लगातार हरीश रावत के बाद करण महाराज एक ऐसे नेता है जो कुछ दिन पहले मौन व्रत भी धारण किए थे जिस तरीके से हरीश रावत करते हैं, और दूसरी बात बिल्कुल राहुल गांधी की ही तर्ज पर वो पद यात्रा करते जाते हैं, यानी पद यात्रा करने से काफी ज्यादा लोगों का जमावा भी होता है, कार्यकर्ता लोग भी जुटते हैं और लोग उनसे मिलते भी हैं, क्योंकि पद यात्रा में जब वो चलते हैं तो विभिन्न गांव होते हुए वो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के दरमियान कई लोगों से भी मुलाकात होती है। तो ये राजनीति का एक नया दौर मुझे लग रहा है कि बहुत पुराने समय के बाद अब ये शुरू हो रहा है, खासकर के उत्तराखंड में राजनीतिक एंगल जो है वो दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, उधर दिल्ली के बुराड़ी में 3 एकड़ जमीन पर केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। वही मंदिर के नाम को लेकर उत्तराखंड के साधु संत समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से खास बातचीत की, सुनिए। दिल्ली के बुराड़ी में 3 एकड़ जमीन में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उसके शिलान्यास में शामिल हुए। वहीं इस बात को लेकर के उत्तराखंड के नागरिकों के बीच तो नाराजगी है ही, साथ में साथ कांग्रेस भी नाराजगी जाहिर कर रही है। वहीं मेरे साथ बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, गणेश गोदियाल जी, आइए बात करते हैं इनसे। सर, सबसे पहली बात की वहां जो गणेश गोदियाल जी आप जो विरोध कर रहे हैं लगातार केदारनाथ का मंदिर निर्माण दिल्ली में जो हो रहा है, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, हमारा मंदिर बनने का विरोध नहीं है, हमारा विरोध यह है कि श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट नाम से जो ट्रस्ट दिल्ली में बनाया गया, वहां मुख्यमंत्री जी शिलान्यास के लिए गए, उन्होंने शिलान्यास किया, केदारनाथ धाम की प्रतिकृति वहां बन रही है, उसका वहां केदार शिला ले जाई गई। हम इन प्रतीकात्मक जो ये जताया जा रहा है, ये प्रचारित किया जा रहा है कि केदारनाथ जो लोग नहीं जा पाएंगे वो यही दर्शन कर सकते हैं, हम इस बात को मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी जाने अनजाने भूल हो गई है इसको ठीक करें। ये उचित नहीं, ये न तो शास्त्र सम्मत है, ना तो ये हमारे हितों का संवर्धन करता है, ये हमारे हितों पर कुठाराघात है, ये हमारी मान्यताओं पर कुठाराघात है। इसलिए हम मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं, इसमें विरोध की बात नहीं है, ये निवेदन की बात है कि मुख्यमंत्री जी इसको ठीक करें। सर, लगातार भाजपा कह रही है कि मंदिर का निर्माण वो इसलिए करवा रही है ताकि लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, वो वहां पर भी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा क्यों? जब हमारे सनातन में, हमारे धर्म में ये स्थापित मान्यता है कि केदारनाथ जाकर वहां के दर्शन करने से पुण्य अर्जित होता है, तो सरकार ये क्यों करने पर तुली हुई है कि दिल्ली में ही दर्शन पूरे कर लो? ऐसा क्यों प्रचारित किया जा रहा है? ये हमारे हितों के साथ खिलवाड़ है,
ये हमारे अतीत से लेकर अब तक की स्थापित मान्यताओं के साथ खिलवाड़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या इस बात को बता पाएंगे कि जिन लोगों ने जो धर्म के हमारे प्रतीक हैं शंकराचार्य जी ने उस काल में आज से 1200-1300 साल पहले कैसे गए होंगे वहां तक केदारनाथ तक और उस मंदिर की स्थापना की, वो भी चाहते तो दिल्ली में कर सकते थे, क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? केदारनाथ का कुछ महात्म्य है तब तो किया, इस बात को क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी समझ रहे? तो ये बातें सब समझ में आनी चाहिए उनको, और जो हो गया गलती हो गई भूल हो गई उसको ठीक करना। सर अंतिम प्रश्न, भाजपा लगातार कह रही है कि जब आप अध्यक्ष थे बीकेटीसी के तब भी मुंबई में भी उसी तर्ज पर मंदिर का निर्माण किया गया, दिल्ली में किया जा रहा है, तो किस बात की आवाज? अपना मंदिर बनाए थे हमने, तो उसमें कोई सहयोग नहीं किया, हम तो वहां नहीं गए, हम तो उत्तराखंड के हितों का संवर्धन करने वाले लोग हैं, जो उत्तराखंड के हितों का संवर्धन करने वाले लोग हैं वो वहां शामिल नहीं होंगे, कोई दुनिया में बहुत कुछ कर रहा होगा, हम नहीं गए वहां, हमें उत्तराखंड के हितों से मत करें। आज मुख्यमंत्री जी केदार शिला ले जाकर वहां उसका शिलान्यास कर रहे हैं और इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि जो नहीं जा पाए वहां यही दर्शन कर सकता है, वो हमारे हितों के साथ खिलवाड़ है। हम इस बात को मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि वो ठीक करें। सर आप लोग पैदल मार्च भी करने वाले हैं हरिद्वार से, हर की पौड़ी से लेकर के केदारनाथ धाम तक? हाँ, हमारे अध्यक्ष जी ने अभी ये ऐलान किया है और हम सब लोग उसमें शामिल होंगे। तो हमारे साथ ही बीकेटीसी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केदारनाथ जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है इनके भी समय किया गया था, लेकिन इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं था। और साथ ही साथ इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केदारनाथ जो धाम है यह उत्तराखंड में ही है, इसलिए उत्तराखंड में जो जब लोग वहां पर जाते हैं तो अपनी आस्था के साथ जाते हैं, ना कि दिल्ली में किसी आस्था के साथ रहेंगे। कैमरा पर्सन अनुप भट्ट के साथ में यह शाहजानंद जनता के लिए। उधर हरिद्वार के खानपुर से बीजेपी विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का फिर एक बार विवाद है वो सामने आया है। विधायक का चैंपियन पर ग्रामीणों की जमीन कब्जाने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। हालांकि विधायक पर यह कोई पहला आरोप नहीं है, पीड़ित ग्रामीण अपने ही जनप्रतिनिधि से तंग आकर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिलने पहुंचे और विधायक की शिकायत की और कहा कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो फिर हमें मजबूरन गांव छोड़कर पलायन करना होगा। मैंने उनका ज्ञापन लिया है, मैं एक बार बातचीत करूंगा, किसको दोषी करना मेरा काम नहीं है, हम बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कई बार गलत फहमी भी बहुत चीजों की होती है, आखिर किसी पर किसी का कोई विषय बनता है तो उसको न्यायालय, उसके लिए कोर्ट है, अपनी रिपोर्ट करे, है ना। इसलिए ठीक है कि मेरे कार्यकर्ता थे जो मुझसे मिलना है, मैं इस संदर्भ में बातचीत करूंगा। उधर मसूरी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दरअसल उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, साथ ही अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की डॉक्टर और स्टाफ से जानकारी ली। उन्होंने बताया उप जिला चिकित्सालय में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहां पर सिटी स्कैन मशीन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लगातार यहां पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में वार्ड बॉय और साथ ही स्टाफ नियुक्त किए जा चुके हैं। साथ ही मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए सीएमओ देहरादून को निर्देशित कर दिया गया है। कि मैं आज दौरे से आ रहा था पहाड़ के और मैं सोचा कि यहाँ के उप जिला चिकित्सालय को जरूर देख के आऊँ, तो कुल मिला के यहाँ पे डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में हैं, अब स्टाफ नर्स भी हमने पूरे प्रदेश में 1500 स्टाफ नर्सों को भेजा है, अब टेक्नीशियन भी हमने सभी जगह भेज दिए हैं और यहाँ पे एक्सरे की मशीन भी है, सीटी स्कैन मशीन भी है, अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है और डेंगू के लिए भी हमने हर जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय में अलग से वार्ड बना दिए हैं ताकि अगर कोई भी मरीज आएगा तो उनके अलग से व्यवस्था हो जाए। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी। जी हां, प्रदेश भर में आपको बता दें भारी बारिश को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होगी और इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है क्योंकि चिलचिलाती गर्मी और ह्यूमस से जो आपको बता दें कि राहत जो है वो यहां पर मिली है। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है, तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पर उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि जो पिथौरागढ़ बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। विकास खरे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, मौसम को लेकर अलर्ट जो जारी किया गया है, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत जरूर यहां पर मिलती नजर आ रही है इस बदले मौसम के मिजाज के बाद लोगों के लिए? बिल्कुल अंजलि, देखिए मौसम विभाग के द्वारा प्रदेश भर में रेड अलर्ट जारी किया गया, हालांकि पहाड़ों में लगातार बारिश देखी जा रही है, लगातार बारिश हो रही है। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में देर रात से बारिश हो रही है, हालांकि अभी भी बारिश का मौसम हरिद्वार जिले में बना हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं बारिश होने से जो आमजन है उनको जो है गर्मी से यहाँ पर राहत भी मिली है। तो ऐसा ना जो पहले सीजन की अगर हम बरसात की बात करें तो अंजलि कुछ ऐसे भी वक्त हैं जो सरकार के द्वारा मना गए थे लेकिन वो पहली बरसात भी नहीं झेल पाए। कुछ स्थानीय लोगों के जो रास्ते हैं कहीं ना कहीं बरसात से यहाँ पर जो है साफ तौर पर रुकते हुए भी दिखा दे रहे, कहीं ऐसे रखते कहीं ऐसे पुल जो सरकार द्वारा या विभाग द्वारा मना गए थे वो जो है पहली बरसात नहीं झेल पाए। ऐसा में जो कहीं आमजन मानस के जो रास्ते हैं वो फिलहाल बंद हो चुके हैं, तो ऐसा में जो लगातार प्रयास भी प्रशासन कर रहा है की जो आमजन जो रास्ते हैं वो भी लगातार यहाँ पर खुले जाए। तो ऐसा में जो मौसम यहाँ पर भी फिलहाल हरिद्वार बना हुआ, लगातार मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की जा रही थी की जो है प्रदेश भर में बारिश का मौसम जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर होने वाला, तो ऐसे में जो लगातार बारिश पहाड़ों में भी देखी जा रही है। मैदानी इलाकों अगर हम बात करें तो जिस तरह रात में यहाँ पर बारिश हुई, जिस तरह चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, कहीं कहीं लोगों ने रात की नींद यहाँ पर सांस भी ली। हालांकि अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के चेहरे भी यहाँ पर साफ तौर पर खिले हुए दिखा दे रहे, क्योंकि किसानों की जो फसलें अगर हम धान की बात करें तो फिलहाल जिस तरह धान की फसलें यहाँ पर लगाई जा रही है, तो इस समय जो है काफी जो फायदा यहाँ पर किसानों की फसलों को मिलता है और लगातार अभी भी यहाँ पर मौसम बना हुआ है। तो प्रदेश भर में रेड अलर्ट जिस तरह मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया, कहने की जो है सजगता समय पर से कोई भी जो है पहाड़ी इलाकों में या जो है यहाँ पर ना जाए, तो ऐसा में जो बचने के लिए भी सरकार साफ तौर पर लोगों को सजग करा कि जो भी जो उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं तो वो भी जो है कहने की अपनी जान जोखिम में डाले। ऐसे में जो है जो पहाड़ियां है जो मार्ग रास्ते ऐसे हैं पहाड़ों में जो फिलहाल बंद हो चुके हैं, लगातार सरकार उनको खोलने का प्रयास। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास करे इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी हरिद्वार से आ रही है, जहां पर हरिद्वार में उफान पर देवखड़ी नाला, बड़ी खबर, देर रात भारी बारिश हुई है और आपको बता दें देवखड़ी नाला जो है उफान पर आ गया है, दो कार बहते बहते बची हैं। प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग में फंसी है कार, आपको बता दें कि कार सवार ने गाड़ी से निकल कर अपनी जान बचाई, दूसरा जो कार सवार था तत्काल कार से उतरा, बैरिकेडिंग नहीं होती तो ये कार जो है वो बह जाती। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार लाख की लागत से बना रप्टर सीजन की एक बरसात भी नहीं झेल पाया और बह गया। आपको यह भी बता दें कि दरअसल सोनाली नदी पर बना पुल जर्जर होने के कारण एक वैकल्पिक मार्ग बना था, जिसमें कि लोगों ने पहले भी काफी विरोध किया, लेकिन जनप्रतिनिधियों और विभाग की लापरवाही से सरकार के पैसे को पानी में बहा दिया गया। वहीं पूर्व मेयर गौरव गोयल ने दरअसल आरोप लगाए हैं कि जनप्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के लिए इस रपटा का निर्माण जो है वो करवाया था और उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग ही सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सारी रुड़की जानती है कि एक महापूर्व ये रपटा यहाँ पे बन के तैयार हुआ और आज सभी लोगों को पता था कि जुलाई से बारिशें शुरू हो जाएंगी, आज ये रपटा यहाँ पे बह गया। 93 लाख रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा ये बनाया गया, विधायक प्रदीप बत्रा के प्रस्ताव पे बना है। आप देख सकते हैं कि उनकी भूमि है, भूमि को संरक्षित करने के लिए इस तरफ भी और उस तरफ भी अपने निजी स्वार्थों के लिए वो लोग यहाँ पर रपटा बनाए हुए हैं और रपटा बना के पहली ही बरसात में बह गया। 93 लाख रुपए सत्ता के बर्बाद किए गए हैं, आम जन की गाड़ी कमाई के बर्बाद किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस ओर भी, जरा दिखाइए कैमरा, ये जो सामने बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट बन रही है, ये भी एक भाजपा के वरिष्ठ नेता के हैं, बड़े भूमाफिया के हैं, और मैं प्राधिकरण से और सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए। ये नदी पिछले साल भी जब चढ़ी थी तो वहां पर लगभग 8-10 फुट पानी भर गया था,
और इस बार भी जब नदी चढ़ेगी तो निश्चित रूप से 10 फुट पानी भर जाएगा। लोगों को इस बारे में सचेत होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के ऐसे भूमाफिया तो बना के चले जाएंगे, लेकिन आम जनता जो यहाँ पर फ्लैट खरीदेगी उनके क्या दुर्गति होगी। और चलिए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।